बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैरियत होंगे। जी तमाम देखने वाले बहन भाई से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अपने बहन भाइयों के तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे जो है ना वो घर मिस्त्री लगे हुए हैं, तो बहुत सारे जो है ना काम कर रहे हैं। सीलिंग का काम हो रहा है, टैक्टर का हो रहा है, दूसरा मोंटी बन रही है। तकरीबन 10 लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए राशन पानी ये वो सब चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई हैं, तो वो मैं लेने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ। तो जी अब बाज़ार चलते हैं, तो फिर अपने देखने वाले बहन भाई से ज़रूर हम शेयर करेंगे। सीलिंग आई भाई लगे हुए, टफ टाइल लगे हुए हैं। तो अगर दो बंदे से उन्होंने मैं नाश्ता घर बना दी सी, शाम का खाना भी घर बना दी सी। शाम सीलिंग वाले लेट आए थे, तकरीबन मगरब दिया जाना सब जाना दरमियान आए थी। फिर अगले मसरूफ से फ्रीज होटल तो खाना मंगवाया से, तो हूँ भी रोटियां वगैरह लगवाया वा। तो उन्होंने अस कहा भी अगर तुम सालन वगैरह दो या अंडा एक फ्राई कर दो, उन्होंने कहा 80-80 रुपए का एक एक अंडा देवे, 20 रुपए का अंडा वा तो 40 रुपये नाल फ्राई कराई एक अंडे की। तो असं सोचा कि अंडे वगैरह अस खुद फ्राई कर लेंगे, रोटियां उतों लै लें, बहुत ज्यादा महंगाई आ। तो बस ना कि मैं दसा रोटी देनी सब बहुत मुश्किल आ मजदूर वगैरह में, क्योंकि एक वक्त की रोटी 1000-1500 पैंती है 5-7 बंद की। तो 3 टाइम रोटी देनी है, तो उन्होंने भी 5000 दी तो रोटी के लग गई। नहीं मतलब मसला पता की है, तकरीबन गल हैगी है पैसे की। तो वह ना होटल तो जो रोटी खाते से ना 10-15 हज़ार बिल बन जाता सी, तो ना वो बहुत ज़्यादा दुखदा, तो 10-15 हज़ार के महीने के सौदे आते हैं। टोटल नहीं मतलब पांच रोटियां खा के ते अपना जरा भजे फिर कल ना आ जो भाई उपर लगे हुए इन्होंने मैं क्या भी रोटी लैके आनी है, थोड़िया किनिया लैके आव, तीन तीन लैके आव, उन्हें कह नहीं तीन तीन नहीं लैके आनी है, कम से कम पांच पांच रोटियां साड़ियां लैके आनी। उन्हें क्या होटल दी तीन रोटियां उन्हें कह तीन रोटियां सानू कुछ नहीं कर दी है, पांच रोटियां होनी चाहिए। तेन एक वाक्य याद आ गया मैनू, असी थ्रेशर लगवाई उसी कणक ते, ते दो मुंडे 16-32 रोटियां खा गए, 16-16 रोटियां एक एक मुंडा खा गए। हैं नहीं मजाक नहीं भाई, बैठे बैठे 16-16 रोटियां खा गए, ते चनिया दा सफेद चनिया दा शोरबा बनाया हुआ सी, कोई गोश्त नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी। 16 रोटियां एक मुंडा खा गया, 16 रोटियां एक मुंडा खा गया, बाकी जेडे पांच बंदे थ्रेशर ते लाए सी उन्होंने दोबारा ले जा के दित्ते। अच्छा जी, इस तरह साढ़े इतने पाँगा वा जिन्ना मेरा खिलारा वगैरह मेरा बिल्कुल समेटने का टाइम नहीं लगता। मैं कल रात तुम दस दी मैं किन्नी दफ़ा चाय बनाई आ, तो किन्नी दफ़ा मैं बर्तन धोते आ, मैं नहीं दसन लगा छेड़ क्योंकि मैं कली जानी हाँ। तो जितने भैन भरा जरूर बिल्कुल नहीं कह के
खलारा बोलता ये वो, लेकिन कुछ देर साढ़े मसूफिया ज्यादा वा सीमिंग वाले भाई है टपटर वाले भाई है जो साढ़े दूसरे मिस्त्री है उन्होंने सब कोई नहीं आया है वो तो साढ़े नाल ही चले चाह ही पहुंच जाते हैं चक वाले जो सा बहुत अच्छे मिस्त्री है इन्हों की हम मजबूरी है दूर। अच्छा दूसरी दूसरी गल एक होर भी मैं कहना चाहना वो ये कि मैं शहर में चले जाना तो ज्ञान नहीं कुछ भी कर देना। हाँ जी ये तो अगर माँ का आदमी के बोझ से नहीं निकल रहा है क्योंकि ये चीज़ तो चाचू से चाची जी भी देख के लियो यार कि जो बच्चे भी स्कूल वो ना कर बच्चे स्कूल चले जाना या तुम चले जाओ फिर मेरी बोझ से निकल रहा है कि देवी ना छाड़ के चली जाए मैं तोरी जी चकी कद्दू ले आओ हां तो चार पांच सब्जियां ले आया हो कोई थोड़ा कोई दो किलो चिकन भी ले आया हो क्योंकि एक दिन तो ना मैं रोटी गोश्त भी इतना दूंगा ना। सही चाचू जी बहुत खुले दिल आए जो आते सी ना साडे मजदूर लगे ऐसे के चाचू जी उठे जिस तरह मतलब बहुत तीन शेफ मतलब ज्यादा तो सब कितने खाने बना दे एक वक्त दे वे ते चाचू जी ने कहना भी अंडे भी फ्राई कर लो भिंडिया भी बना लो ना चिकन भी बना लो भी मजदूरों रोटी जेनी कोई ये ना कभी रोटी माड़ी दी है ਅਸੀਂ 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 ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮੰਨ ਦੇ ਬਣਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੀ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਆਂਡੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਡਾ ਲਿਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਲ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪੀਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ पानी तो रख लो हां क्योंकि खुरना खुरना आसान नहीं हो जाएगा मिर्च दरमियान ही पायो दो दो अंडे पाई चलो ना हाँ कली कली चिट्ठी पे हाँ सही ठीक है मैं देखा तो सही हो की कर रहे ने चलो ठीक अच्छा जी भाई हमने टफ टैल तैयार कर रहे हैं तो यह जी इस तरह इन्हें टैल लगा लगा के रखी जाते हैं जी क्या हुआ दोबारा शूज निकालो शाबाश ये डक्का जो है इस ये लग गया चले चले अब ठीक है चले। अच्छा जी ज़ियान हम मेरे साथ ही होता है अगर मैं ना हूँ तो फिर ये अपनी मम्मा को काम नहीं करने देता। अच्छा जी ये अंडा तैयार हो गया तो हम दूसरा अंडा सुनहरा तैयार कर रही है जी मैं तो हैरान हो गया कि 80 रुपये का एक अंडा अच्छा जी तुसी इस तरह करो कि दो प्लेटा च सालन भी पा दियो ठीक है चार भी मैं रखना हाँ जी चार भी रख दियो अगर कहती है नानी ने चार पाया ज्यादा मजेदार है तू ये ना दिया का इधर तू पाया वो दिया का अच्छा मैं मीनू से ही लगता वा वो टिफिन पा के देना सोखा मैं छोटे छोटे पीस की थी सही हाँ
चलो बस ज्यादा फिर बचा देते हैं ना करो। चलो इन्हें अंडे ने रोटी खानी है कहता मैं रोटी दे नहीं बस ठीक उधर दिता सी चार मैं कहना कि जो छोड़ देंगे ना मैं वो चीज़ नहीं अच्छी लगती ज्यां दे किन्ने प्यारे वाल होए होए सही है ठीक है बस बस ठीक है। चलो हाँ मैं एक साइड से रख दे। चलो तेरा चार सौ शाबियां तेरा पता नहीं। ठीक है। ए देख ना पवे स्क्रीन या प्लेटर का हाथ पकड़ के रख दे। ठीक है। अच्छा जी भाई नाश्ता कर रहे हैं तो इन्हें मैं नाश्ता दे के फिर मैं शहर जाना तो जी समान खत्म होया राशन खत्म होया वो लैके आना तो मैं हूँ शहर चलिया से मैं भाइयों पहले नाश्ता कर ते ओ ना होटल वाला रोटी दे जाएगा दोपहर की ठीक है ना ते ओ तुसी गेट तो फड़ लेनी है ठीक अपना घरों बर्फ लै लेनी है ते पानी उतों ठंडा जिहड़ा ना वो मोटर चलती पई है ते बर्फ विच पा के बर्फ पा ली है इहदे विच कूलर च बस ठीक है तुसी जिहड़ा ना अपना पानी जिहड़ा कोल रख लेना ते हुण तुसी चाय पी के ते फिर तुसी काम ते लगना मैं चाय भी लिया वा हैलो भाई मैं क्या मैं चाय भी लिया वा तुसी चाय पी के फिर अपने अपने काम से शुरू हो जाओ जी सुनहरा मेरे वास्ते जरा ना वो नाश्ता बना लगी मैं कभी एक पराठा से एक अंडा बस जी क्या कह रहे हो लड़ाई कर रहे हो हां जी ये मिर्च वाला पता क्यों नहीं कह दिया ध्यान के नाल खाना जी तो बस हल्का जे नमक ते मर्जी कर लिए ऐसा नहीं ना क्या बिल्कुल इस टाइम ज्ञान के अंदर नहीं हाँ जी हाँ जी चाय मैं के नाल तुसी दे दियो ना मैं उन्होंने खाने तो फौरन बाद चाय दे दूँ अच्छा जी चाय वास्ते कप लिया है चाय बन रही है डिश कप रख देते हैं तो हूँ जरा ना मैं तो ज्ञान नाश्ता करूँगी तो भाई लोगों ने जी ना वो चाय दे के आवेंगे चलो तुसी लिख लो पहले तो सब तो पहले तो लिखो खाने पीने का समान पहले तो अपना लिख लो प्याज लेके आने हैं अच्छा प्याज 5 किलो हाँ जी कोई 2-3 किस्म दी सब्जियां भी लाए हो जिहड़ियां तुहानू अच्छियां लगियां सब्जियां 2-3 किस्म दी हां जी टमाटर हां जी खीरा हां जी ते उस तो बाद लाल मिर्च हां जी ते साबण बर्तन वाला आलू किन्ने लिया 2 किलो लिया या 5 किलो लिया 5 किलो लिया अच्छा तो फिर अपना मैं सूट भी चकना था जी को वो भी चाक ले अच्छा तो अच्छा चलो क्लिप बाद बंद कर दी तो लिखा दें थो सारे सौदे अच्छा इस तरह फिर मैं थोड़ी चाह बना ली है तुम पी के जाओ तो बाकी चलो तुम लिखी चलो हम अच्छा जी हले लीक हो रही है सीलिंग कर रहे हैं भाई फिलहाल तो भाई रोटी खाने चले गए तो मैं चलो मैं क्लिप बना ला
मैं दिखा रही हूँ, चाचू जी भी देख लेंगे।